जिम ट्रेनर विक्रम सिंह पर हुए जानलेवे हमले के मामले में पुलिस को एक वीडियो मिला है। ये वीडियो विक्रम सिंह को 5 गोली लगने की बात की है। आप आ रहे हैं, सुबह हम जिम के लिए जा रहे थे, बस दो लड़के खड़े होकर वहां पर अंधाधुंध फायरिंग किया मेरे ऊपर। दोनों लड़के मारते ही भागे। फिर हम सब लोगों को बोले कि हमको हॉस्पिटल पहुँचा दिए, पर कोई नहीं पहुँचाया। स्कूटी चला कर हम यहाँ आए हैं ये करवाने के लिए। हमको 100% श्योर है कि डॉक्टर राजीव सिंह की वाइफ इसलिए सिंह है। वो मेरे पीछे पड़ी हुई है आज से नहीं, वो साल भर से मुझे धमकी देते हुए आ रही है मारने का, और वही मरवाई है मुझे। ये बातें घायल विक्रम सिंह ने बताई है। वीडियो में जो भी उसने खुद से कहा उन बातों को हूबहू यहाँ पर लिखा गया है। इस वीडियो के जरिए उन लोगों की असंवेदनशीलता भी सामने आई है जो शनिवार सुबह सुबह बुद्ध मूर्ति के पास लोहा सिंह गली में वारदात स्थल पर मौजूद थे। 5 गोली लगने के बाद जिम ट्रेनर के शरीर से खून बहता रहा, वो छटपटाता और तड़पता रहा। उसने लोगों से हॉस्पिटल पहुँचाने की गुहार भी लगाई, मगर किसी ने उसकी मदद नहीं की।